छोटे बेबीज कभी कभी बहुत बहुत रोते हैं, किसी भी तरीके से चुप नहीं हो रहे होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को नहीं समझ में आता क्या करें। सबसे पहले बच्चे के सर पे हाथ फेर के देखिए, कहीं पे कोई डिप्रेशन या गड्ढा तो नहीं फील हो रहा है। दूसरा, डिहाइड्रेशन, वेट नैपीज कितने हो रहे हैं बच्चे के, ये काउंट देखिए। अभी का डायपर अगर ड्राई है तो लास्ट यूरिन पास किए हुए 6 घंटे से ऊपर तो नहीं हो गया। बच्चे का टेम्परेचर चेक कीजिए। चौथा, बच्चे के हाथ पैर जरूर देखिए। छोटे बेबीज को ना हर कोई अपनी गोद में लेके घुमाता है कभी कभी, तो बच्चे के कोई मसल खिंच सकता है जिसकी वजह से कोई स्वेलिंग या स्पैजम हो सकता है। तो क्या बच्चा अपने हाथ पैर सही से मूव कर रहा है, ये देखिए। हेयर टॉर्निके के लिए चेक कीजिए। बच्चे ना जब हमारी गोद में आते हैं तो कभी कभी कोई बाल खींच लेते हैं और वो बाल उनकी फिंगर पे या पैर पे कभी रैप हो जाता है, तो फिंगर्स, टोज और जेनाइटल्स किसी बाहर टॉर्निके के लिए जरूर चेक कीजिए। स्किन को देखिए बच्चे की, स्किन पर कोई नई रैश तो नहीं आ रही है, स्किन का कलर तो नहीं चेंज हो रहा है। बच्चे का ब्रीदिंग पैटर्न देखिए, ब्रीदिंग पैटर्न तो नहीं चेंज हुआ, बच्चा बहुत तेज तेज सांस तो नहीं ले रहा है, पसलियां तो नहीं चल रही, ये नहीं, ये सारी चीजें चेक कीजिए। ये सबसे कॉमन रीजंस होते हैं बच्चे के एक्सेसिव क्राई करने के, जब बच्चे बिल्कुल हाल बेहाल हो जाते हैं और हमारे भी हाल बेहाल कर देते हैं। ओके?